ये वीडियो आया है अल्जीरिया से। जैसा कि आप देख सकते हैं, अल्जीरिया के आसमान में 15 मई 2019 को कुछ इस टाइप का नजारा देखा गया। देखने में ऐसा लगता है कि मानो आसमान से कुछ चीज तेज स्पीड में जमीन की तरफ आ रही हो, लेकिन एक्चुअल में नीचे जमीन पर तो कुछ नहीं गिरा था, बट इस टाइप का शेप आसमान में नजर आ रहा था। और जब धूप का अक्ष इसके ऊपर गिर रहा था तो ये देखने में ऐसा लग रहा था मानो कोई आग का गोला हो। इसका किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है कि ये क्या चीज थी और आखिर इस टाइप का शेप आसमान में क्यों नजर आया। कई लोगों ने इसे स्पेसशिप और एलियन से जोड़ा तो कई लोगों ने कहा कि दुनिया खत्म होने वाली है, ये उसी के संकेत हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये एक ऐसा फुटेज है जिसे कई लोग सिर्फ वीडियो में ही देखना चाहेंगे, रियल लाइफ में शायद कोई भी ऐसा नजारा नहीं देखना चाहेगा। यह हादसा घटा था गांव के एक छोटे से ब्रिज के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रिज के ऊपर से रिवर बह रही थी, सामने से एक छोटी सी कार आ रही थी। तभी अचानक से एक बड़ा सा मगरमच्छ इस पुलिया के ऊपर आ जाता है और ये देखकर कार ड्राइवर कार वहीं रोक लेता है। आप देखेंगे तो पीछे के साइड दो आदमी भी खड़े हैं और वो भी इस नजारे को देखते रहते हैं, और एक बंदा और है जो पुलिया के इस पार है, जो इस वीडियो को इस वक्त शूट कर रहा है। इस मगरमच्छ की लंबाई तकरीबन 6 फीट से भी ज्यादा रही होगी। कार ड्राइवर कार रोककर इसके जाने का इंतजार करता है। ये मगरमच्छ धीरे धीरे इस ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश करता है। मगरमच्छ ऊपर चढ़ने में शायद थक चुका होता है। उसके बाद वो थोड़ी देर रोड के बीच में ही लेटा रहता है। इसी दौरान कार में बैठे हुए लोग भी इसका वीडियो शूट करने लगते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये बीच रोड पर लेटा हुआ है, और इस एंगल से देखने पर आप इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा भी लगा सकते हैं। हालांकि बाद में ये पानी के अंदर चले जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पुलिया पर से पैदल यात्री भी गुजरते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जान को कितना बड़ा यहाँ पर खतरा हो सकता है। That's a man craft there. कहते हैं समंदर रहस्यों से भरा पड़ा है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला। ये पर्शियन गल्फ का समंदर है जिसमें आप देख सकते हैं एक अजीबोगरीब प्राणी आपको नजर आ रहा है। ये मछली जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता और ना ही ये ऑक्टोपस है। जब यहाँ पर मछुआरे अपनी बोट लेकर पहुंचे तब वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इस टाइप का क्रिएचर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दरअसल ये क्रिएचर मर चुका है और इसकी बॉडी समंदर की ऊपरी सतह पर तैर रही है, जिसकी वजह से ये बाहर आया और लोगों की नजर इस पर पड़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब है। जिन मछुआरों ने ये वीडियो शूट किया वो बताते हैं कि हम बरसों से मछली पकड़ने का काम करते हैं, बट इस टाइप का जानवर हमने पहले कभी नहीं देखा। ये जो फोटो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये एक टाइप का राक्षस है, और इस फुटेज में इसे ही कैमरा में कैप्चर करने का दावा किया गया है। हालांकि ये वीडियो फुटेज काफी पुराना है, जिसकी वजह से इसकी वीडियो क्वालिटी कुछ खास नहीं है, लेकिन जो इस वीडियो में दिखाया गया है वो हमें क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दोस्त आपस में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। रात का टाइम था, तभी उनकी अचानक से नजर पड़ी कि झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही है, तो उन्होंने अपना कैमरा झाड़ियों की तरफ घुमाया और टॉर्च भी उसके ऊपर डाला। जब उस पर लाइट डाली गई तब ये चीज उन्हें नजर आई। ये देखने के बाद ये लोग अपना हंसी मजाक करना भूल गए और बहुत ही ज्यादा डर गए, और इसके बाद ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुके, सभी लोग यहाँ से भागकर चले गए। दरअसल ये लोग इसलिए डर गए क्योंकि ये कुछ उसी टाइप का क्रिएचर लग रहा है जो हमने इस फुटेज के स्टार्टिंग में दिखाया था। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा विचित्र है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि एक अजीबोगरीब क्रिएचर रोड को क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये दिखने में इंसान जैसा नजर आता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये इंसान है तो ये चारों हाथ पैरों पर क्यों दौड़ लगा रहा है और इतनी फास्ट ये कैसे भाग रहा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो रशिया के एक सीसीटीवी कैमरे का है जो घर के बाहर लगा हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे कि सामने अचानक से एक धुएं जैसी छवि अपने आप ही उभरने लगती है। रात का टाइम था, सर्दी का मौसम था, वहां पर ओस गिर रही थी, जिसकी वजह से ये फुटेज थोड़ा धुंधला नजर आता है।
तो आइए देखते हैं उस छवि को। आप लोग ध्यान से सीधे हाथ की तरफ देखिएगा, वहां पर आपको एक रेड कलर का एरो भी नजर आएगा। उसी जगह पर यह छवि उभरती हुई नजर आती है। उसके बाद में जब एक बार ये अपना पूरा शेप ले लेती है, उसके बाद ये कैमरे के बहुत ज्यादा नजदीक से गुजरती है। हाल ही में आपने ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के बारे में जरूर सुना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी टाइप से जंगलों में आग लगी हुई है, जबकि एक फायर फाइटर ट्रक उसे बुझाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। हालांकि ये अकेला नहीं है, इससे पहले भी इसके आगे कई ट्रक जा चुके हैं, लेकिन जब ये आगे बढ़ता जाता है तो आप देख सकते हैं कि काला धुआं इस ट्रक को घेरता चले जाता है। आगे एक ट्रक और खड़ा हुआ है जो इसी का एक साथी ड्राइव कर रहा है, लेकिन ये ड्राइवर ये देखकर ब्रेक लगा देता है कि आखिर आगे वाला ट्रक क्यों रुका हुआ है। एक्चुअली आग इतनी तेजी से फैल रही है कि आग इनके रूट की तरफ आने लगी है, इसलिए आगे वाला ट्रक वहीं पर रुक गया है। यहाँ पर ये लोग दो चीजों की वजह से परेशान हैं, एक तो धुएं की वजह से जिसके कारण ये सांस नहीं ले पा रहे, दूसरा आग की गर्मी। ऊपर से ये हादसा भी होता है जब इनकी जान बाल बाल बचती है। ये वीडियो आया है क्रोएशिया से और इसके बारे में जब आप जानेंगे तो आप इसको देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो लड़के आपस में ही हंसी मजाक कर रहे हैं। उनके पास एक कैमरा है, वो पहले तो आपस में एक दूसरे का शूट कर रहे होते हैं, तभी उनकी नजर पड़ती है कि सामने की तरफ से कोई आदमी चला आ रहा है, तब वो उसे भी कैमरा में शूट करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो वो लोग ये बातें करते हैं कि शायद ये कोई शराबी है और ये इसलिए हमारे आसपास घूम रहा है, क्योंकि उसके चलने का स्टाइल भी बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब था। अब ऑब्वियसली आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें डरावनी बात क्या है, तो इसमें डरावनी बात यह है कि ये वीडियो इनका आखिरी वीडियो है, यानी कि इसके बाद से ही ये दोनों लड़के लापता है। जब इनके घर वालों को ये बच्चे नहीं मिले तब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने जब अपनी जांच पड़ताल की तो उसके बाद इसी जगह के आसपास से इनका ये कैमरा मिला, जिसके बाद ये फुटेज सामने आई, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये लड़के कहां गए और इनके साथ क्या हुआ। ये वीडियो एक बंदे ने अपने गोप्रो कैमरा से शूट किया है। वो यहां पर स्नोबोर्डिंग कर रहा था, तभी अचानक से उसके कैमरा ने ये कैप्चर किया। आप देख सकते हैं जब इस बंदे ने फ्लिप मारा तब वहां पर एक औरत खड़ी हुई थी, जबकि इस बंदे का बताना है कि वहां पर दूर दूर तक कोई घर नहीं है और ना ही कोई आबादी है जिस जगह पर यह स्नोबोर्डिंग कर रहा था, क्योंकि इस एरिया में मौसम काफी ज्यादा खराब रहता है और अक्सर बर्फीले तूफान आते रहते हैं, तो भला यहाँ पर यह एक औरत कैसे खड़ी रह सकती है। वो बताता है कि वो औरत बिल्कुल मोशनलेस खड़ी हुई थी, मानो कि उसकी बॉडी में जान ही नहीं हो। इस वीडियो में आप देखेंगे कि दो दोस्त एक गुफा में आए हुए हैं। ये गुफा हॉन्टेड यानी कि भूता मानी जाती है। ये यहाँ पर अपने साथ कुछ चीजें लेकर आए हैं, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं दो गुड़ियाएं रखी हैं। एक गुड़िया ऑलरेडी इनकी गोद में है और दो स्टील की रॉड्स हैं। उसके बाद ये अपनी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और वहां पर मौजूद आत्माओं को बुलाने की कोशिश करते हैं। वो उन आत्माओं से बोलते हैं कि अगर तुम तुम्हारी प्रेजेंस यहाँ पर दर्ज करवाना चाहते हो तो इन रॉड्स को हिलाओ या फिर मेरी गुड़ियाओं के अंदर आने की कोशिश करो। तब इन्हें ऐसा भी लगता है कि मानो किसी ने इन्हें पुश किया हो। उसके बाद में जो कैमरा इन्होंने गुड़ियाओं के पीछे लगाया था उसके अंदर ऐसा भी एक मंजर रिकॉर्ड होता है जहां पर दोनों में से एक गुड़िया हिलती हुई नजर आती है। ये एक और ऐसा फुटेज है जहां पर मीटियोरॉइड्स आसमान से जमीन पर गिरता हुआ कैप्चर किया गया। ये फुटेज आया है साइबेरिया से। यहां पर आप देख सकते हैं रात का टाइम था, ये बंदा जब अपनी कार से जा रहा था तब इसके कार के डैशकैम ने ये नजारा शूट किया। आप में से कई लोग जानते होंगे कि हमारे अंतरिक्ष में ना जाने कितने छोटे बड़े पत्थर, जिन्हें हम मीटियोरॉइड्स या उल्का पिंड भी बोलते हैं, वो घूमते रहते हैं, हमारी पृथ्वी के चक्कर काटते रहते हैं। उनमें से छोटे छोटे पत्थर डेली पूरी दुनिया पे भर में गिरते रहते हैं,
लेकिन भगवान का ये शुक्र है कि बड़ा मीटियोराइट कम ही गिरता है, और जब गिरता है तो वो काफी तबाही भी मचाता है। बाय द वे ये मीटियोराइट छोटा था और इसके गिरने से कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, जहां पर हमने देखी कुछ प्राकृतिक डरावनी आपदाएं, कुछ डरावनी वीडियोस और कुछ डरावनी चीजें। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।